बुधवार सुबह खंडवा रोड स्थित एक फार्म हाउस में तेंदुए की आमद हुई थी। वयस्क और खुखार तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की रेस्क्यू टीम और चिड़ियाघर की टीम ने हर संभव प्रयास किया। रात के समय भी पिंजरा लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी दौरान तेंदुए ने लिम्बोली रहवासी क्षेत्र की ओर रुख किया। इस दौरान तेंदुए ने सबसे पहले खेमराज सिंह राठौर और उसके परिवार पर हमला किया, जिसमें खेमराज और उसकी पत्नी और बेटी घायल हो गए। इसके बाद तेंदुए ने रेस्क्यू टीम के सदस्य प्रकाश बोके पर हमला कर उसे घायल कर दिया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम और चिड़ियाघर की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। हालांकि 23 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा जा सका। तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज कर चिड़ियाघर ले जाया गया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। क्या नाम है दादा आपका? धर्म सिंह। धर्म सिंह, क्या हुआ था सुबह? तेंदुआ आ गया था। बच्चों को जाकर पकड़ लिया। फिर छोड़ा अंदर ही अभी। तो कौन घायल हुआ? चौकीदार। कौन? उसका नाम नहीं पता है मेरे को। और बच्चे भी घायल हुआ है? हाँ, बच्चे को पकड़े, छोटी बच्ची है। ज़्यादा लगी उसको? और भोतरा भी अस्पताल लगे हैं। कहाँ की जगह है ये? कहाँ की है? हाँ, ये तो अपने, ये अपना लिम्बोदी। क्या नाम है आपका? मेरा धर्म सिंह। धर्म सिंह। इंदौर से एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।